उठापटक से विपक्ष में घबराहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता का खेल हुआ है, उसके बाद तमाम दलों को अब ये लग रहा है कि क्या इस तरह की घटना बिहार में भी देखने को मिल सकती है। विपक्षी शक्ति में सेंधमारी, लालटेन को सताने लगा डर। रविवार के दिन जब लोग छुट्टियां मना रहे थे, महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया। एक घंटे में महाराष्ट्र की सियासत बदल गई। अजीत पवार ने मिनटों में फैसला लिया और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में जो हुआ उससे पूरे देश का विपक्ष हैरान है। खासकर बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लालू यादव की पार्टी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी का मानना है कि इससे विपक्षी एकता की मुहिम को थोड़ा धक्का लगा है। कि जो कुछ हुआ है उसे विपक्षी एकता का जो मुहिम चल रहा था उसको थोड़ा बहुत झटका तो लगा ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। शरद पवार जी का कहना है कि वो फिर से वो पार्टी खड़ा करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि एनसीपी जो है शरद पवार जी के ही लोकप्रियता पर खड़ी थी। महाराष्ट्र में जो हुआ उसने एक बार फिर विपक्ष को अपनी रणनीति सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले साल अगस्त में बिहार में भी अचानक से सरकार बदल गई थी, जब नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ हो लिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिवानंद तिवारी साल भर पुरानी बात भूल गए और आज अजीत पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल को सामाजिक पाठ पढ़ा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। कम से कम इतने विधायक टूट करके शरद पवार जी से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और सबसे आश्चर्यजनक जो हमको लगा वो प्रफुल्ल पटेल को लेकर लगा, वो चले जाएंगे छोड़ करके, इसकी कम से कम हमको कल्पना नहीं थी। इसलिए कि एकदम बिल्कुल साये की तरह जहां शरद पवार हैं वहां अगल बगल पीछे जो है प्रफुल्ल पटेल खड़े दिखाई देते थे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।